हे गाइस, द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो है महाकाल के रहस्य की। हम मिलकर जानेंगे क्यों कहा जाता है भगवान शिव को कालों का काल महाकाल। हम लेकर चलेंगे आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर में। यहां होती है भोलेनाथ की भस्म आरती और लाखों की संख्या में लोगों को आता है सैलाब। महाभारत शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश राज्य का शहर है, पौराणिक काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। बात उस समय की है जब अवंतिकापुरी में वेदप्रिय नाम का एक बहुत ही तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण रहता था। वेदप्रिय सब लोगों के साथ शिव भक्ति में लीन रहते और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। रत्नामल पर्वत पर दुष्यंत नाम का अत्याचारी राक्षस उन दिनों जनमानस को बहुत सताया करता था। दुष्यंत अवंतिकापुरी भी पहुंच गया और वेदप्रिय और अन्य लोगों को तंग करने लगा। दुष्यंत को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और वह नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य उसके अलावा किसी और की पूजा करे। वरदान की वजह से वह बेहद शक्तिशाली भी था। अपनी शक्ति के बल पर उसने हर जगह त्राही मचा रखी थी। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवभक्त ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अटूट आस्था रखने वाले ब्राह्मण शिव पूजन करके शिव ध्यान में लीन हो गए। दुष्यंत जब इन ब्राह्मणों के पास पहुंचा तो देखते ही ललकार उठा और इन्हें मारने का निश्चय कर लिया। उसने ज्यों ही भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही शिवलिंग की जगह एक गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा उत्पन्न हो गया और तत्काल ही उस गड्ढे से भयंकर और विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही उस राक्षस का नाश कर दिया। भगवान शिव के दर्शन पाकर ब्राह्मण धन्य हुए और उन्हें वहीं बस जाने की विनती करने लगे। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया जो विश्व भर में महाकाल के नाम से विख्यात हुआ। यही कारण है दोस्तों कि भगवान शिव को महाकाल के नाम से भी पूजा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।